पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करी है। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर शूट आउट हुआ है वहाँ फॉरेंसिक टीम जायजा लेगी। डीजीपी की ओर से कहा गया है जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाना की पुलिस जांच नहीं करेगी, बल्कि दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच कर सकेंगे। डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के परिजनों को तुरंत इसके बारे में सूचित किया जाए और इसकी जानकारी पंचायतनामा में दी जाए। इसके अलावा एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करना होगा, जिनकी जांच की जाएगी। जिन मामलों में अपराधी समन्वय अथवा गंभीर रूप से गंभीर होते हैं, ऐसे सभी मामलों में अपराधी के हैंडवॉश और अपराधी से बरामद हथियारों का बैलिस्टिक परीक्षण अवश्य कराया जाए। दरअसल अब हम आपको बताते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। आपको बता दें, हाल ही में सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर का समाजवादी पार्टी के साथ ही कई विपक्ष पार्टियों ने मुद्दा उठाया था। इसके चलते उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताकर पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे पीटीए से जोड़ते हुए आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस इन्हीं तबके के लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मार रही है। हालांकि इसका जवाब पुलिस की ओर से भी दिया गया था।